देख सकते हो कपलर टू कपलर काम होता है। किया कैरेंस का पूरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। फ्लोरिंग करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे पूरी तरह से गाड़ी को क्लीन करते हैं। पंखा सेंटा रोजा का सिस्टम लगा रहे हैं, 10.1 इंच 60 डिग्री कैमरा और एंड्रॉइड सिस्टम, एप्पल कार प्ले सब कुछ मिल जाता है। हम जो भी काम करते हैं पूरा कपलर टू कपलर करते हैं। कैरेंस में एम्बेंट लाइट इंस्टॉल कर दी है, सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। भैया बैठ कर देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, पूरा भैया के सामने काम हो रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं किया कैरेंस, जो कि स्पेशली हमारे पास आई है तमिलनाडु से, और ये आई है भाई स्पेशली दिल्ली काम कराने के लिए। लास्ट में और से भी मिलवाऊंगा, ज्यादा मोटा खर्चा नहीं है, 1,20,000 रुपए में हम लोगों ने इसमें मॉडिफिकेशन करी है। क्या कुछ इंस्टॉलेशन आप लोग करा सकते हैं उसके बारे में अगेन बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे ट्रायो बीम हेडलैम्प फॉग लैम्प, जिसको आप लोग इंस्टॉल करा सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि अपना कलर चेंजिंग का रहता है। इसमें आप जितनी बार कलर चेंज करना चाहो उतनी बार कलर चेंज कर सकते हैं। बाकी इसकी हेडलाइट भी आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ। हेडलाइट जो है फिलहाल के लिए हैलोजन पे ही है, वो हम लोगों ने इसमें चेंज नहीं करी है, खाली फॉग लाइट और ये अपना नॉर्मल रहने वाला है। डीआरएल भी नहीं लगाई है, आगे बेसिक काम था अपना। साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो यहाँ पे ऑटो फोल्डेबल मिरर्स इंस्टॉल कर दिए, जिसको सिल्वर कैप के साथ हम लोगों ने डन कर दिया है। विद इंडिकेटर फंक्शन आप लोगों को ये वाले मिरर मिल जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों का इंडिकेटर वर्किंग रहेगा, देख सकते हैं। साइड प्रोफाइल में डोर वाइजर्स इंस्टॉल करे हैं 6 पीस एंड रूफ रेल्स हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल करे हैं। चलते हैं बैक एंड पे। बैक एंड पे आप लोगों के पास ऑप्शन होता है टेल लाइट कनेक्ट कराने का, रिफ्लेक्टर लाइट्स लगवाने का और बैक कैमरा लगवाने का। तो हम लोगों ने इसमें 360 डिग्री कैमरा लगाया, जो कि ब्लोपंग का इंस्टॉल करा है, और इसमें आप लोगों को हमारे पास सारे वैरायटी एंड ब्रांड मिल जाएंगे, जीवा अल्ट्रा ऑडियो हाइपरसोनिक ब्लोपंग, जो भी आप लगवाना चाहें। चलते हैं अंदर की तरफ तो दिखाता हूँ क्या इंस्टॉलेशन इसके अंदर मिलेगी। तो अंदर की साइड आ गए हैं तो आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टीयरिंग से स्टार्ट करेंगे, मेन यही रहता है अपना। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वर्किंग वाला इंस्टॉल कर दिया, किया जेन्युइन पार्ट एंड स्टीयरिंग कंट्रोल इंस्टॉल कर दिया फुल्ली वर्किंग। अगली चीज स्टीयरिंग में आ जाती है हमारी स्टीयरिंग रैप, जो कि आप फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हैं, बिल्कुल A1 क्वालिटी के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी, और प्लस OEM पूरा का पूरा पैटर्न रहता है, और OEM ही स्टिचिंग आती है, जैसे टॉप वेरिएंट के अंदर आती है वही वाली इंस्टॉल करी गई है। स्पीकर्स में हम लोगों ने इंस्टॉल करे हैं मोरल के कंपोनेंट्स फ्रंट में, मोरल के ही कोएक्सल बैक के अंदर। साथ में इसके अंदर हम लोगों ने इंस्टॉलेशन करी है अपनी डैम्पिंग की 2.4 mm थिकनेस की। ऑटो फोल्डेबल मिरर के स्विच प्लेस करे हैं यहाँ पे हम लोगों ने, जिसके अंदर आप लोगों को वन टच के अंदर फुल्ली वर्किंग मिल जाती है, फोल्ड भी एंड अनफोल्ड भी पूरा का पूरा इसमें वर्क करेगा। राइट लेफ्ट एडजस्टमेंट भी आप लोगों को यहीं से मिल जाएगी दोनों मिरर की, एंड एनालॉग एडजस्ट करने वाला भी आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगा। सब कुछ आप लोगों को एक ही जगह पे मिल जाता है पूरा स्विच के अंदर हमारे। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सामने एम्बियंस लाइट, जो कि K4 के अंदर इसमें इंस्टॉल करी गई है। ओरिजिनल गियर नॉब यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, साथ में स्क्रीन जो हम लोगों ने इंस्टॉल करी है वो ब्लोपंग का सेंटर रोजा इंस्टॉल किया है, जिसके अंदर आप लोगों को 360 व्यू मिल जाता है, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट कैलिब्रेट कर दिया। कैलिब्रेशन देख सकते हैं वहाँ चल रही है हाईराइडर की, ठीक है, वहाँ पे हाईराइडर की कैलिब्रेशन अपनी चल रही है, और उसी के साथ इसकी भी हो गई है। तो इसकी आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरीके का व्यू आएगा। तो इस साइड में हमारे फुटपाथ है, जो कि आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, ये रहा हमारे सामने फुटपाथ, जो साइड में पूरा का पूरा गाड़ी आ गई है अपनी, ये अपना बैक आ गया है, साइडें आ गई है, और इसमें फ्रंट कैमरा भी आ जाएगा, जैसे आप फ्रंट ओनली चलाना चाहते हैं ये कर दें। ये हमारी फॉग लाइट का अलाइनमेंट है पूरा का पूरा जो देख पा रहे हैं। बाकी रिवर्स है, ये अपना लेफ्ट है, ये अपना राइट है, ये अपना दोनों साइड का, अगर आप टाइट पार्किंग में तो इस तरीके से देख सकते हैं, और इस तरीके से पूरा टायर आ गया आप लोगों का पूरा पूरा फ्रंट का। तो पूरी कैलिब्रेशन जो है पूरी की पूरी डन कर दी है इसके अंदर, जो कि आप देख सकते हैं किस तरीके से की गई है। उसी के साथ ग्लॉस ब्लैक फ्रेम इंस्टॉल हुआ है, मेल फीमेल कपलर इंस्टॉल हुआ है इसी के अंदर, ताकि अपना वायर कटिंग कोई भी ना हो। बाकी फीचर की बात करते हैं, 4GB रैम मिल जाती है, स्टीयरिंग व्हील CNN जी बोर्ड इसके अंदर मिल जाता है, कार प्ले मिल जाता है इसके अंदर आप लोगों को, ब्लूटूथ का कमांड मिल जाता है बेसिक। अपना वीडियो आप अगर पेनड्राइव से डालना चाहते हैं तो डाल के इसको भी यूज कर सकते हैं। अब चलता हूँ नीचे। तो लास्टली हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है फ्लोरिंग, फ्लोरिंग का पार्ट देख सकते हैं, ये रहा हमारा फ्लोरिंग का पार्ट, और उसी के साथ हमने मैट्स इंस्टॉल करे 70, उसी के ऊपर डस्ट अभी थोड़ी आ गई, इधर भी देख सकते हैं ड्राइवर साइड पे भी 70 मैट्स पूरा का पूरा इंस्टॉल हो रखा है,
तो ये अपना इंस्टॉल हो चुका है। लेके चलता हूँ कस्टमर के साइड पे, आप लोगों को दिखाते हैं, मिलवाते हैं। भैया से भी एक बार नाम बताओ अपना। मेरा नाम है दिनेश। कहाँ से आए हो भैया, एक बार ये बताओ। मैं एक्चुअली तमिलनाडु से आया हूँ। और क्या रिस्पॉन्स है, ऐसा क्या था अट्रैक्शन वाला पॉइंट की वहाँ से यहाँ आना पड़ा? काम बहुत अच्छा है, आराम से करते हैं, मतलब टाइम लेके आना है, बस काम नीटली करते हैं, इसलिए वहाँ से आने के लिए। ठीक है। और कितना अगर इस काम को आउटपुट देना हो तो कितना आउटपुट देना चाहेंगे पूरे काम को? मतलब 10 out of मांग रहे हो ऐसे? हाँ, 10 out of हाँ, कितना देना चाहोगे? मतलब 10 out of तो 10 है, बस 10 ये है जरूर टाइम लेके आना। हाँ, अभी टाइम 9 बज गए अभी। हाँ, 9 बज गया, बस टाइम लेके आओ, काम आराम से अच्छा से हो अच्छा से हो जाएगा। बाकी इसमें सीट कवर था ही तो ये भी चेंज नहीं करा है। बस के ऊपर अगर आप कराना चाहते हैं तो एक बार अपनी लैंग्वेज में किसी को कुछ बोलो कि कोई वहाँ से देख रहा है तो स्पेशली उसको कुछ समझ में आए। அங்கிருந்து வரத்துக்கு டைம் எடுத்துட்டு வரணும், வந்தா ரெண்டு நாள் இருந்து டைம் எடுத்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போனா வண்டியில வந்து நல்லா வேலை பார்த்துட்டு போலாம். चलो मेरे को इतना समझ आ गया कि टाइम देने के लिए भैया ने दोबारा बोला। ठीक है, होपफुली भाई मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।